तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद स्टालिन चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल तमिलनाडु के खेल विकास और युवा कल्याण मामले में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया, मच्छर और कोरोना से कर दी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ चीजें हैं जिनका हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, जिसका विरोध करने की बजाय उसे खत्म कर देना चाहिए। उधर तमिलनाडु के मंत्री के इस बयान की राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर साधु संत महंतों ने आलोचना की है। ये बयान जो सनातन धर्म को लेकर आया है, सनातन धर्म की तुलना कुछ बीमारियों से करना, सनातन धर्म के खात्मे की बात करना, मतलब एक प्रकार से 80% भारतीय लोग जिस धर्म में आस्था रखते हैं उनको नस्तनाबूद करने की बात करना, ये केवल डीएमके का बयान नहीं है, बल्कि ये पूरे गठबंधन का बयान है, ये पूरे गठबंधन की सोच है, ये पूरे घमंडिया अलायंस की सोच है। क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कहा कि हिंदू धर्म धोखा है, इससे पहले आरजेडी ने किस प्रकार के वक्तव्य दिए वो भी हमारे सामने हैं, आईयूएमएल के लोगों ने किस प्रकार से हिंदुओं के नरसंहार की बात कासरगोड में की, एमएमके ने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्टर जारी किया, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का तो लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो हिंदू टेरर का शब्दावली गढ़ने का हो, हिंदू गंदा शब्द होता है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारना, राम मंदिर का विरोध करना और बार बार हिंदू विरोधी बातें करना, तो ऐसा लगता है कि वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदुओं को सनातन धर्म को दो गाली, ये इनके मुंबई की मीटिंग में शायद तय हुआ होगा। तमिलनाडु के एक मंत्री स्टालिन ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है सनातन धर्म को खत्म करने का। मैं कह देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म अखंड है, अनादि काल से चला आ रहा है, इसको खत्म करने वाले चले गए, मर गए, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई हैं, इनका समूल नाश खत्म हो जाएगा जो सनातन धर्म को खत्म करने की जो बात करते हैं। और ये भारत में क्या पूरे विश्व में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो सनातन धर्म की पैदाइश न हो, वो सब सनातन धर्मी हैं, उनके हृदय में सनातन धर्म है, सब ऋषियों की संतान है। मैं कह देना चाहता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समस्त धर्माचार्यों से निवेदन करूंगा, समस्त सनातनी हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति का पुतला फूंके विरोध करें। डीएमके मंत्री उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि ये पहला राक्षस नहीं है, ऐसे लाखों राक्षस पूर्व में हुए और उनका संहार हुआ। ये व्यक्ति चुनाव के लिए, राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और सनातन संस्कृति के ऊपर बार बार प्रहार करके सिर्फ राजनीतिक स्टंट या टीआरपी पाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता को ईश्वर ही दंड देगा और बहुत जल्द ऐसे लोगों को हानि, राजनीतिक हानि जनता वोट के रूप में जवाब देगी। समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र, जो कि वहाँ की सरकार में मंत्री भी हैं, उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने हमारे सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की एक निम्न कोटि की भाषा का, निकृष्ट भाषा का प्रयोग किया है, वह घोर आपत्तिजनक है और चिंताजनक है। उदयनिधि स्टालिन हमारे सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया की तरीके से बताते हैं और इसका विरोध ही नहीं करना चाहते, बल्कि सनातन धर्म को सारी दुनिया से मिटाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, हालांकि उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता।